इस समय आपको दिखाई दे रही हैं कुछ कैसेट्स, और ये कैसेट्स मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाई। ये सब कैसेट मैंने अपने ही शहर में एक दुकानदार को बोल रखा था कि कहीं से अगर कैसेट मिलती हैं तो आप मुझे मेरे लिए अरेंज करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैं ठीक है, मैं बात करता हूँ कुछ लोगों से। तो उनकी उसी कोशिश के फलस्वरूप ये हमें कुछ कैसेटें मिली हैं, और हम देखने वाले हैं कैसेटें कौन कौन सी हैं ये। तो सबसे पहले हमें मिली ये बरसात, और ये जब मिली तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये कैसेट वही कैसेट है जो मेरे पास थी या जो मैंने सबसे पहले खरीदी थी बरसात की। अगली है राजा हिंदुस्तानी, और कंडीशन इसकी भी बढ़िया है। उसके बाद है ये सोल्जर और बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और ये कैसेट मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर ये देखिए, ये इतना लंबा कवर है ये सोल्जर का एक साइड, ठीक है। और इसकी अगर हम बैक साइड देखें तो इस साइड में है ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तो नॉर्मली जो मैंने अभी तक कैसेट्स देखी हैं काफ़ी सारी, उनमें जो ये लंबा वाला कवर होता है वो सिर्फ सिंगल कैसेट में होता है, मतलब उसमें कैसेट में एक ही मूवी के गाने होते हैं। ये मैंने पहली बार देखा कि इसमें दो मूवी के गाने हैं और दोनों के ही कवर लंबे वाले हैं इसमें, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे। और इस तरफ है अपना सोल्जर, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं इसको कर देता हूँ साइड में, और फिर हम देखते हैं अगली कैसेट। अगली है ये ज़िद और दीवाना। तो कैसेट की कंडीशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी इनको चलाकर मैंने देख लिया है तो ये ठीक चल रही हैं। जिन दो कैसेटों में प्रॉब्लम थी वो मैं आपको बताऊंगा अभी किस किस में प्रॉब्लम है। ये है जुदाई, और इसकी बैक साइड में है ढाल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पांच गाने हैं जुदाई के, सॉरी जुदाई के नहीं, जुड़वा के। यहाँ पर जुड़वा के पांच गाने हैं, और इस मूवी में गाने ही टोटल छः हैं, तो छः में से पांच गाने इधर इसमें दे दिए। और साइड बी में है ढाल, और ढाल के हैं अपने इसमें चार गाने, नौ गाने हैं टोटल इस कैसेट में। उसके बाद फिर एक आती है खलनायक। ये कैसेट बहुत अच्छी है, बिल्कुल नई जैसी लग रही है, और इसमें लिखा भी है ऑल नाइन सॉन्ग्स, यानी कि सारे गाने इसमें खलनायक के होंगे, यानी कि नौ गाने इसमें खलनायक के हैं। और कैसेट के कंडीशन बहुत बढ़िया। अगली है डर, ये भी ओरिजिनल है। फिर है ये डुप्लीकेट शाहरुख खान, कंडीशन बहुत बढ़िया। अगली है खुशी और दिल है तुम्हारा, तो कैसेट की कंडीशन बहुत बढ़िया। अब ये है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो मैंने इसको प्ले करके देखा, साइड ए में तो गाने चल रहे हैं ठीक, पर साइड बी ब्लैंक लग रही है। मतलब मैंने कम से कम 5 से 10 मिनट इसको चला कर देखा तो ये ब्लैंक ही है साइड बी। साइड ए में गाने भरे हुए हैं और साइड बी इसकी ब्लैंक है। बाकी पूरी ब्लैंक है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि जब तक मैं इसको पूरा प्ले नहीं करूँगा तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि शायद इसकी साइड बी ब्लैंक है, साइड ए में गाने इसमें हैं। ये है अल्ट्रा सीरीज़ पर छोटा सा घर, तो इसकी भी साइड ए अच्छी चल रही है, पर इसकी साइड बी में आवाज़ थोड़ी सी दब रही है, मतलब कम है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों कैसेटें को अगर हम ख़राब भी कह दें तो कोई बात नहीं है, ये ख़राब ही मान लो आप इन दोनों को, तो ये नुकसान भी हो गया, दो कैसेटें ख़राब भी निकल आई, अब क्या कहें। अगली है गश खा के, तो इसमें गाने मिक्स हैं, जैसे कि पहले है तेरी मेरी एक जिंद बुलंदी का, फिर बादल का गाना है तुझे देख के, फिर ये मतलब इसमें काफ़ी सारे गाने हैं जो कि मतलब डांस टाइप का डांस कलेक्शन है ये, और ये सब सिंगर्स हैं, मिक्स गाने हैं इसके अंदर। फिर है अगली फिलिप्स
टॉप 10 95। अब मुझे इसके बारे में एक चीज़ पूछनी है आप लोगों से कि ये है कंपनी बुश। अब मैं जब छोटा था तब मैंने ऐसा कोई मतलब नाम वाम नहीं सुना कि बुश कंपनी की कैसेट भी होती है या नहीं होती है, तो मुझे ये मतलब डाउट है कि ये लोकल है या ओरिजिनल है, तो कुछ पता नहीं। हालांकि इसका कवर देखकर तो लगता है कि ये ओरिजिनल ही है, लेकिन बुश कंपनी की कैसेट मैंने मतलब अभी तो खैर मैं देख रहा हूँ, लेकिन जब मैं छोटा था तब मैंने नहीं देखी थी, तो मुझे पता भी नहीं कि ये बुश कंपनी कोई कंपनी है या नहीं है। तो आप लोग बता देना कि ये ओरिजिनल है या लोकल है, या मतलब बुश कंपनी की कैसेट कभी आती भी थी या नहीं आती थी पता नहीं, तो आप देख करके बताना मुझे कि ये लोकल है या ओरिजिनल है। फिर है नेक्स्ट खजाना, और ये पंकज उदास। और इस कैसेट में एक ख़ास बात जो मैंने देखी कि मैं जो इसका जो बीच का ये है ना, ये इसका व्हील, ये वाला कैसेट वाला, ये बहुत बड़ा है साइज़ में। ये देख रहे हैं आप यहाँ तक का साइज़ है इसका। ये चीज़ मैंने पहली बार देखी किसी कैसेट में, क्योंकि बाकी सब में छोटा ही होता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा दे रखा है ये। इसको कभी खोल कर भी देखूँगा कि ये ऐसा कैसे, कि मतलब कुछ स्पेशल इसमें ऐसा क्यों दे रखा है। फिर है अगली सुपर डिस्को हिट्स वॉल्यूम 2, और ये भी है अपनी 389 की पैकिंग है इसकी। और इसमें मतलब गाने मूवीज़ के ही हैं, लेकिन वो वाले गाने जो मतलब डिस्को में फिल्माए गए थे, यानी कि सब डिस्को वाले गाने इसमें हैं, मूवीज़ वाले। फिर है अपने पास ये रफ़ी की यादें वॉल्यूम 2, और सिंगर है बिपिन। मतलब ये गाने मोहम्मद रफ़ी की हैं, लेकिन इसमें इनको गाया गया है बिपिन जी की आवाज़ में। तो कैसेट की कंडीशन बहुत बढ़िया है, और इसकी पैकिंग अगर हम देखें तो पैकिंग तो पता नहीं चल रही, लेकिन इसकी MRP 18 रुपये है। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये शायद 90 या 91 या 89 के आसपास की हो सकती है, क्योंकि उस समय कैसेट 18 रुपये की ही आया करती थी। फिर है अपने पास नेक्स्ट ये अकरम राही, दर्द का राही। तो ये कैसेट की कंडीशन बहुत बढ़िया, बिल्कुल नई है। अब हालांकि ये गज़लें वज़लें सुनने का मैं तो ज़्यादा कोई ख़ास शौक नहीं रखता, तो अगर किसी भाई को ये चाहिए हो तो वो ले सकता है अकरम राही। उसके बाद है ये अताउल्ला खां, ये भी सेल के लिए है, कोई भाई अगर लेना चाहे तो मैसेज कर सकता है। फिर है अताउल्ला खां, ये भी है वॉल्यूम 26 है शायद, अताउल्ला खां, ये भी सेल के लिए है। और एक मिली है ये 5 स्टार, ये ब्लैंक कैसेट थी, और ये काफ़ी शायद पुरानी है, क्योंकि इस पे MRP है 13 रुपये 50 पैसे। और इसका अगर हम कवर देखें तो ये जो स्टार बने हुए हैं 5 स्टार, और ये जो टी सीरीज लिखा हुआ है ये उभरा हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो ये कैसेट काफ़ी पुरानी लगती है, लेकिन ये है रिकॉर्डेड वाली, यानी किसी ने गाने रिकॉर्ड करवाए हैं। अब पता नहीं गाने इसके अंदर हैं कौन कौन से, लेकिन कुल मिला के ये रिकॉर्डिंग वाली है।